नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका एक और शानदार व्लॉग में। दोस्तों ये व्लॉग कार से ही शुरू हो रहा है क्योंकि इसके पहले वाले व्लॉग में मैंने एंड करा था कि मैं बनारस से निकल रहा हूँ धर्मेंद्र सर के घर। तो इस व्लॉग में आपको देखने को मिलेगा कि मैं धर्मेंद्र सर के गांव जा रहा हूँ और अराउंड 3 घंटे का ये ट्रिप है, 3 से 4 घंटे का। और हम लोग निकले थे 8:30 बजे, देखते हैं 12 बजे तक पहुँच पाते हैं कि नहीं। और धर्मेंद्र सर से मिलने की एक बार फिर से इच्छा हुई कि मिलते हैं। सबके गुरु हैं, जितने भी यूट्यूबर्स हैं ऑलमोस्ट सब लोगों ने उनसे सीखा है। और 2017 में मैं गया था, ऐसे ही कार चलाते हुए गया था, लेकिन मेरे साथ तब खाली सतेंद्र था और अभी ये देवांश जी हैं और मेरा एक और भाई है, वो अभी पीछे सो रहा है। तो ये एक्चुअली क्या हुआ कि रात में हम लोग सोए नहीं हैं, 3 बजे हम लोग सोने की कोशिश कर रहे थे, काम भी था, तो इसीलिए हम लोग लेट से सोया और सुबह 7 बजे उठ के हम लोग रेडी होके निकल चुके हैं। 1-2 बजे की स्टोरी हमने डाली थी कि हम शूट कर रहे हैं, तो काम भी रुकना नहीं चाहिए और हम जो अपना सफ़र पूरा कर रहे हैं वो भी पूरा होना चाहिए। मिलना जुलना भी लगा रहेगा, मस्ती भी लगी रहेगी और काम भी चलता रहेगा। तो कुछ इस तरह की लाइफ है, कुछ इस तरह का लाइफ मैं जी रहा हूँ आजकल। क्या मैं हमेशा से सोचता था कुछ ऐसा जिया जाए कि अपन घूमते हुए काम किया जाए, एंड वो चीज़ें हो रही हैं। तो आई एम ब्लेस्ड, थैंक यू कहना चाहूँगा मैं सबको, जिन लोगों ने भी सपोर्ट किया है अभी तक और जिन्होंने नहीं किया उनका भी दिल से शुक्रिया। क्योंकि तब मुझे एहसास हुआ कि यार चीज़ें मुझे खुद करनी पड़ेंगी, अगर जिनसे मैं अपेक्षा रखता था कि उनको मेरे साथ होना चाहिए। तो आप लोग भी अपने लाइफ में सबको थैंक यू करिए, जो आपके साथ है, जो आपके साथ नहीं है, दोनों, क्योंकि कहीं ना कहीं वो एक रीज़न है, आप जहाँ पर भी हो उनकी वजह से ही हो, चाहे उन्होंने आपको साथ दिया चाहे ना दिया। अगर आपको ये बात समझ में आ गई हो तो लाइक कर देना। चलिए ठीक है, मैं आगे का व्लॉग आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों, जो ऑलमोस्ट मैंने बोला था कि 4 घंटे लगेंगे, तो 12 बज रहे हैं, आप देख सकते हैं इसमें 12:04 हो चुके हैं और हम पहुँचने वाले हैं थोड़ी देर में। यहाँ से 1 किलोमीटर है धर्मेंद्र सर का घर, तो फाइनली 4 घंटे लग गए। वैसे बीच में हम लोग थोड़ी देर के लिए रुके थे और गुरुजी हमारे स्वागत में, आप देख सकते हैं धर्मेंद्र सर लग रहा सूत के उठे हैं, आ गए बाहर। हेलो हेलो हेलो, हम मिठाइयाँ पकड़े, कहाँ पकड़े हैं, पकड़े रहा है भाई, पकड़े बताए। हाँ बस पकड़े रहिए, चलो 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 चलो, लग रहा था लाइव लोकेशन देख रहे थे। नहीं ये हाँ लाइव। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज है day 2। कल मैं व्लॉग को एंड नहीं कर पाया। बेसिकली हुआ क्या कि जैसे ही धर्मेंद्र सर से मैं मिला, उसके बाद धर्मेंद्र सर लगे हम लोगों को नाश्ता पानी कराने, जो होती है ना मेहमान नवाजी कराने लगे, तो उस चक्कर में मैं व्लॉग तो भूल ही गया और व्लॉग नहीं एंड कर पाया। तो फिलहाल आज day 2 है यहाँ पर धर्मेंद्र सर के गाँव में, यानी कि उनके घर पर, और आज हम लोग शूट करेंगे कुछ वीडियो, 2-3 वीडियो शूट करेंगे, व्लॉग भी शूट करेंगे। और आज इस वीडियो में, इस व्लॉग में आपको पूरा देखने को मिलेगा कि हम क्या क्या कर रहे हैं। तो सब लोग रेडी हो चुके हैं, फिलहाल आप देख लो पीछे, सतेंद्र इधर कैमरा वगैरह सब टेस्ट कर रहा है और अभी देवांश का क्रीम पाउडर नहीं लगा, तो सब रेडी है। आज मैं इसमें से कोई पहनूंगा जो सूट करेगा। ठीक है, एक माइक है यहाँ पे। तो सर कुछ बोलेंगे हमारे ब्लॉग में? तैयारी है ना, पब्लिक आउटपुट देखेगा ना, इससे हो जाएगा ना। सर जी बड़ा जबरदस्त मेहमान नवाजी किए हम लोगों का, धन्यवाद सर जी। और इधर ट्राईपॉड है, 2 ट्राईपॉड है, एक गाड़ी में है, ये लैपटॉप नहीं लेके जाएंगे, मैकबुक लेके जाएंगे थोड़ा सा। क्या जी इधर है, इसको हम रख लेते हैं। क्या भाई, अब कहाँ देर हो रहा है भाई, सतीश भाई इतना लेट करते हैं ना, क्या बताया जाए, देंगे अभी इतना लेट कर रहे हैं, बताइए, सबसे लेट उठे हैं, सबसे लेट नहाए हैं। आइए आइए, हाँ कैमरा भी धूप से करा है, रुक जाइए जरा अंदर देख लीजिए, कुछ छूटने ना,
गाड़ी पे काफी धूल वगैरह जम गया है सर, बोल रहे थे गाड़ी तुम्हारी पुरानी हो गई है। तो दोस्तों अभी जा रहे हैं हम लोग ब्रेकफास्ट करने, बाकी लोग अंदर घुस गए हैं, मैं ही एक बचा हूँ। तो दोस्तों अभी हम लोग जैसा कि मैंने बताया कि ब्रेकफास्ट करने जा रहे हैं, थोड़ी देर वेट करने के बाद ये सारी चीज़ें आई हैं। तो आलू का पराठा मंगाया है, वैसे पेट निकल गया है बहुत सारा तो नहीं खाना चाहिए, बट ठीक है आधा ही खा रहा हूँ मैं। और सर कुछ नहीं ले रहे, सर डाइटिंग कर रहे हैं लेकिन कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं। तो क्या खाना चाहिए बताइए, कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं तो दोस्तों अभी हम लोग ब्रेकफास्ट कर लिया है, अब यहाँ से निकलेंगे सर के गांव। तो आइए सर, किधर से चला जाएगा, इधर से किधर? तो जैसा कि आप देख सकते हैं आगे यहाँ पर पानी लगा हुआ है, मुझे डर लग रहा है कि गड्ढा उड्ढा ना हो, लेकिन हम लोग इसी में डालेंगे। अभी हमारा फोटोशूट चल रहा है, सतेंद्र भैया हैं एंड हमारे कैमरा मैन को आपको दिखाते हैं। ये देखे कहाँ चढ़े हुए सतीश भाई, लो ये पेड़ है एंड ये सतीश भाई हमारे ऊपर है। हाँ पेड़ पीछे का हरियाली आएगी, उठेगा हमसे। हाँ उठ तो गया। शानदार शानदार बेहतरीन।